गणपति बप्पा मौर्य। दोस्तों, भगवान गणेश विघ्नहर्ता। भगवान गणेश की मूर्ति या भगवान गणेश खुद अपने आप में ज्ञान के दाता हैं। आइए आज जानते हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति हमें क्या ज्ञान देती है, दर्शाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भगवान गणेश के पेट के बारे में, स्टमक। भगवान पेट लंबोदर कहा जाता है। पेट देखते हो आप भगवान गणेश के बहुत बड़ा होता है। बड़े पेट का मतलब क्या है? भगवान गणेश ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, उसे डाइजेस्ट कर लो, उसे अपना लो, उसे बाहर मत जाओ। जो भी हो रहा है अच्छा बुरा, उसे अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ो। उसे डाइजेस्ट करेंगे जब आप, उसे जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो जीवन आपका सुखमय हो जाता है। ये बड़ी स्टमक बड़े पेट दर्शाता है। दूसरा हम देखेंगे भगवान गणेश की जो आंखें होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉल आइज। छोटी आंखें क्या दर्शाती हैं? स्मॉल आइज दर्शाती हैं टू कॉन्सेंट्रेट इन योर लाइफ। अपने जीवन में कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए। जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान देखते हो, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में जब अर्जुन को ज्ञान दिया था, तब ज्ञान लेते हुए कि तो आप आंखें बंद कर लेते हो या बहुत छोटी स्ट्रिंग कर लेते हो। तो छोटी आंखें हमेशा दर्शाती हैं कॉन्सेंट्रेट, यानी आपके जीवन में अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तब आपको बहुत ध्यान से जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा हम देखेंगे भगवान गणेश की जो ईयर्स हैं, यानी कि उनके कान हैं, बड़े हैं। कान बड़े क्यों हैं? बड़े कान ये दर्शाते हैं भगवान गणेश की बी ए गुड लिजनर। हमेशा दूसरों की सुनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनके इमोशंस को, उनके भाव को। तो ये बड़े कान हमेशा दर्शाता है कि हमेशा बोलना नहीं है, हमें सुनना भी चाहिए। तो बड़े कान दर्शाता है कि बी ए गुड लिजनर, जिससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बातें हो सकती हैं। हमने देखा है फोरहेड, भगवान गणेश की फोरहेड बहुत चौड़ा है, बड़ा है। वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है मस्तिष्क में ज्ञान के भंडार को, जितना चाहो उतना भर लो। हमेशा कुछ न कुछ नया जीवन में सीखते चलो। नया सीखते जाओगे हमेशा, तब आपके जीवन में बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। आते हैं ट्रंक, इसकी सूंड क्या दर्शाती है? सूंड जो है दर्शाती है अवेयरनेस। आप देखोगे हाथी की सूंड हमेशा हिलते रहती है, ठीक है? ठीक उसी तरह से आप इस मूर्ति में या किसी मूर्ति में देखोगे तो भगवान गणेश का सूंड इधर राइट साइड मुड़ा होता है या लेफ्ट साइड, यानी अपने जीवन में हमेशा अवेयरनेस लेके रहे, जागरूकता, यानी कि जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हमेशा जागरूक रहे। तीसरा आप अगर देखोगे तो भगवान गणेश की हाथ, राइट हैंड का जो निचला हिस्सा है वो दर्शाता है आपके जीवन में मेटलिस्टिक चीजें, यानी कि सांसारिक जीवन में जो कुछ चाहिए वो आप अगर अपने कर्म के साथ आगे बढ़ोगे तो सारी चीजें हासिल होगी। उसके लिए ज्ञान और ध्यान दोनों चीज चाहिए, जो हमें लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हो नीचे मुद्रा की तरफ दर्शाया हुआ है, और ऊपर आप देख सकते हो राइट हैंड भी मुद्रा में। यानी कि जीवन में संसार में सफल होना है तो आपको ज्ञान और ध्यान के साथ अपने जीवन में कर्म योगी बनते हुए जाना है। ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ अस्त्र धारण किए हुए, यानी कि जीवन में सफल होने के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों के साथ आपको ज्ञान का दाता होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में भगवान गणेश साक्षात कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जीवन में अगर ये सारी चीजों को आप प्राप्त कर लेते हो तो आपके जीवन में आप बहुत ऊंचे स्तर पर जाते हो। इसीलिए भगवान गणेश सबसे पूजनीय है, वंदनीय है। जीवन में अगर आपको सफल होना है, पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का, विघ्नहर्ता का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश ही वो देवता है जो कि आपके जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, और जो मैटरिस्टिक चीजें में जो आपके जीवन में चाहिए वो सारी चीजें भी प्राप्त होती हैं। तो आप सभी के लिए भगवान गणेश इस अनंत चतुर्दशी पे यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सुख समृद्धि आपके दें। और आइए अब श्रवण करते हैं उस मंत्र को जो मैंने व्याख्यान की है
एक दंताय विद्महि, यानी कि भगवान गणेश के बारे में महिमा मंडल उस गीत को सुनते हैं मैथिली ठाकुर के स्वर में, जो आपको भाव बिहोर कर देगा। लेट्स गो एंड हैव दैट वन नेम गणपति बप्पा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुण शरीराय गुण मंडिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रवेष्टाय धीमहि, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि, गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मन से, गुरु पूजिताय गुरु देवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरु विक्रमाय गुह प्रवराय गुरुवे गुण गुरुवे, गुरु दैत्य कल क्षेत्रे गुरु धर्म सदाराध्याय, गुरु पुत्र परे गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि, गूढ़ गुल्फाय